तो लीमान के ऊपर यूक्रेन ने बड़ी जीत का दावा किया है। बताया जा रहा है कि यूक्रेन की सेना ने लीमान पर दोबारा से कब्जा कर लिया है, लेकिन इस हार के बाद रूस ने यूक्रेन के कई शहरों के ऊपर बड़ा अटैक किया है। मतलब एक शहर तुमने ले लिया कोई बात नहीं, लेकिन अब दूसरी जगहों के ऊपर हम और ज्यादा अटैक करेंगे, तुम्हें परेशान करेंगे। अब देखिए दावा यह किया जा रहा है कि रूस ने ये जो चार शहर आप देख रहे हैं यूक्रेन के, इनके ऊपर बहुत बड़ा हमला किया है। इसमें ज़ापोरिज़्या शामिल है, मिकोलाइव शामिल है, खार्किव है और डोनेस्क है। ये चार शहर ऐसे हैं जिन पर रूस की तरफ से अब हमला और ज्यादा तेज कर दिया गया है। इसके अलावा माइकोलाइव में सबसे ज्यादा रूस का अटैक बढ़ा हुआ है, यहाँ रूस ने सबसे ज्यादा अटैक किया है। और डोनेस्क में तो रूस की सेना की तरफ से बहुत ज्यादा यहाँ पर जमावड़ा तैयार कर लिया गया है, भारी तादाद में यहाँ पर रूसी सेना डोनेस्क में तैनात दिखाई दे रही है। तो इस तरह से रूस बदला लेने की कोशिश में है, बौखलाया रूस अब इन चार शहरों के ऊपर लगातार हमले कर रहा है। सुलेमान के हार से बौखलाए रूस ने यूक्रेनी शहरों के ऊपर हमले और ज्यादा तेज कर दिए हैं। दावा यह किया जा रहा है कि रूस की सेना ने ज़ेलेंस्की के गृह नगर के ऊपर भी अटैक किया। रूस की सेना ने क्रीवी री पर ड्रोन से हमला किया है। हालांकि इसके उलट ज़ेलेंस्की का भी दावा एक सामने आया है। उन्होंने ये कहा है कि यूक्रेन की सेना बहुत तेजी के साथ आगे बढ़ रही है। लीमान के बाद यूक्रेन की सेना रूस के कब्जे से कई और इलाके भी आजाद करा देगी। तो ज़ेलेंस्की ये कह रहे हैं कि लीमान तो हमने आजाद करा लिया है, अभी हमारी सेना जिस ढंग से आगे बढ़ती हुई और आक्रामक होती हुई दिखाई दे रही है, बहुत से इलाके रूसी सेना के कब्जे से हम जल्द आजाद करा लेंगे। रूस की बैक टू बैक हार, लेमन में रूस की करारी मार, युद्ध में जीत के गेटवे पर यूक्रेन, ज़ेलेंस्की इतिहास रच डालेंगे। फिर पुतिन अंतिम हथियार चलाएंगे। खिलाफ फतह कर लिया, वो भी रूस की सेना को बुरी तरह खदेड़कर। लेमन में यूक्रेन का पलटवार सधा हुआ था। सटीक निशाने पर ज़ेलेंस्की सेना ने विध्वंसक हमले अंजाम दिए। सबसे ज्यादा मार रूस की टैंकों को झेलनी पड़ी। यूक्रेन ने रूस के टैंकों का क्या हाल किया, उसे कबाड़ में तब्दील हुए जंगी हथियारों से समझिए। यूक्रेन ने हाइमर्स से अटैक कर रूसी टैंकों के चीथड़े उड़ा दिए। यूक्रेन फोर्स के रॉकेट अटैक से रूस के हथियार गोदाम बर्बाद हुए, जिसके बाद रूस की सेना उल्टे पांव लीमन से भागी। लीमन
यूक्रेन की हार से क्रेमलिन में हड़कंप मचा है। पुतिन ने युद्ध के मैदान में महाविनाश के हथियारों को भेजना शुरू कर दिया है। रूस की सेना के सबसे विनाशकारी फाइटर जेट को यूक्रेन सेना पर मंडराते हुए देखा गया है। और अब आपको बताऊंगी कि पुतिन बैक टू बैक हार मिलने से आखिर बौखला क्यों गए हैं, अब वो आगे कर क्या सकते हैं। लिबन फ्रंट पर जीत के बाद यूक्रेन का अगला टारगेट है क्या, लेकिन इन सब के पहले ये आप जान लीजिए कि यूक्रेन बॉर्डर के करीब रूस का सबसे खतरनाक फाइटर जेट आखिर कर क्या रहा था। ये ऐसे लड़ाकू विमान है जिनको उतारने का मतलब है कि पुतिन के पास ऑप्शन अब बहुत कम बचे हुए हैं। देखिए रिपोर्ट। यूक्रेन बॉर्डर पर मंडराते महाविनाशकारी जंगी जेट की तस्वीरें हैं ये। वीडियो यूक्रेन के बेलगोरोद क्षेत्र के डैगुन स्क्वायर गांव का बताया गया। हालांकि वीडियो की सत्यता की पुष्टि अभी बाकी है, लेकिन ये जंगी जेट अगर वॉर जोन में आ गया है तो क्या हो सकता है, इसके अंदाजे भर से यूक्रेन में खौफ फैल गया है। आखिर रूस के इस फाइटर जेट में ऐसा क्या है जिससे खलबली मची है। जानेंगे Su-57 की विस्फोटक डिटेल। पहले उस लीमन फ्रंट का ब्यौरा जिसकी जीत ने युद्ध को नया मोड़ दे दिया है। लीमन फ्रंट की अहमियत युद्ध में इतनी अहम है कि इसे रूस की लाइफलाइन कहा जाता है। लीमन की करेक्ट लोकेशन देखिए, फिर इस फ्रंट पर यूक्रेन की जीत के मायने आपको बताते हैं। लीमन यूक्रेन के दूसरे सबसे बड़े शहर खार्किव से 160 किलोमीटर दक्षिण पूर्व में है। लीमन एक ऐसा गेट है जहां से रूस के कब्जे वाले सेवरोडोनेट्स, लुहांस्क और डोनेट्स का रास्ता खुलता है। यानी लीमन वो रूट है जिससे रूस की सेना सीधे सीधे रूस के कब्जे वाले इलाके में सेंधमारी कर सकती है। लीमन की जीत इस मायने में अहम है कि इससे पूरे डॉनबास रीजन में यूक्रेन की जीत का रास्ता बन सकता है। यही वजह है कि लीमन में जीत के बाद यूक्रेन फोर्स ने विक्ट्री डांस किया, ग्रुप फोटो खिंचवाई। यूक्रेन का झंडा लीमन पर फहराते हुए यूक्रेन के जवानों ने जीत का जमकर जश्न मनाया। लीमन फ्रंट पर यूक्रेन के कब्जे के बाद रूस को अच्छा खासा नुकसान झेलना पड़ेगा, क्योंकि लीमन रूस की सेना का प्रमुख परिवहन केंद्र था। इस इलाके में रूस के करीब 5,000 से अधिक जवान थे। रूस के लिए ये लॉजिस्टिक और ट्रांसपोर्ट हब बना हुआ था। यूक्रेन में होने वाले हमलों के लिए ये इलाका काफी अहम था। ये इलाका डोनेट्स्क के उत्तर में स्थित है, जहां के रास्ते युद्ध में रसद और हथियारों की सप्लाई की जा रही थी। लीमन पर जीत का दावा करने के बाद ज़ेलेंस्की ने साफ कर दिया है कि वो अब रुकने वाले नहीं है। उन्होंने ये कहा है कि यूक्रेन की सेना आगे बढ़कर अपने इलाकों को मुक्त कराएगी, यूक्रेन के हर इंच को वापस लिया जाएगा। और उधर रूस भी यूक्रेन से हटने को तैयार दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन इस टकराव ने नए युद्ध की ओर इशारा जरूर कर दिया है। साफ है, लीमन पर कब्जा कर यूक्रेन ने रूसी सेना को करारा झटका दिया है। इस जीत के बाद डिफेंस ऑफ यूक्रेन ने भी ये संदेश जारी कर रूस को चढ़ाया, तो वहीं प्रेसिडेंट ज़ेलेंस्की ने लीमन फतह यूक्रेन की जीत का आगाज भर माना है। लीमन की जीत को ज़ेलेंस्की ने रूस के रेफरेंडम वाली तरकीब की काट बताया है। Там ще тривають бойові дії, але там вже немає і сліду від якогось там псевдореферендуму. За цей тиждень українських прапорів на Донбасі стало більше. Ще за тиждень стане ще більше. रूस को लीमन से खदेड़ने के बाद यूक्रेन ने सवाल दागा है कि क्या रूस दोबारा इस फ्रंट पर भिड़ने की हिम्मत जुटा पाएगा। इस बीच यूक्रेन ने रूस की सेना पर नागरिकों को निशाना बनाने के आरोप भी लगाए हैं। यूक्रेन ने दावा किया है कि रूस के सैनिकों ने खार्किव के कुपियांस्क में नागरिकों के काफिले पर अंधाधुंध फायरिंग की। 7 गाड़ियों को रूस की सेना ने निशाना बनाया। हमले में 10 बच्चों समेत 20 लोगों की मौत की जानकारी दी गई। खार्किव के गवर्नर ने इस अटैक की जानकारी साझा करते हुए रूस की सेना की जमकर निंदा की। उधर ज़ेपोरिज़्या में भी S-300 मिसाइल से स्थानीय लोगों को निशाना बनाए जाने का दावा किया गया। रूस के मिसाइल अटैक में 30 लोगों की जान जाने की बात कही गई। नागरिकों पर रूस के हमले को बैक टू बैक मिल रही हार की खींच माना जा रहा है। हालांकि रूस यूक्रेन फोर्स